संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद उत्तर कोरिया है जो मिसाइल परीक्षण करने से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो जापान के एयर डिफेंस के क्षेत्र में जा गिरी है। उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए ये मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी यूहाम की माने तो उत्तर कोरिया ने उत्तरी सागर में पनडुब्बी से 500 किलोमीटर दूरी तय करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो जापान के समुद्री क्षेत्र में उसके वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में जा गिरी। आपको बता दें कि मिसाइल को उत्तरी सागर में एक पनडुब्बी से सोल के समयानुसार सुबह 5:50 पर दागा गया। एजेंसी की माने तो उत्तर कोरिया ने उसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका परीक्षण पिछले महीने सफल नहीं हो पाया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस परीक्षण को अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है और कहा है कि इसने जापान की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है। उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रक्षेपण ऐसे वक्त में सामने आया है जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच खासा तनाव है। परमाणु परीक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन माना जाता है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है। वैसे से पहले भी उत्तर कोरिया इस तरह के मिसाइल परीक्षण कर चुका है। फिलहाल इस घटना के बाद पड़ोसी देशों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखते रहिए टीवी लाइव।